आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में दी गई है। सबसे पहले हम टेन पी का मान निकालेंगे, फिर हम कोट आर का मान निकालेंगे, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग हमारे डायग्राम बनेंगे। सबसे पहले हम टेन पी के लिए ये वाला डायग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी के अंदर हमें थीटा के ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो थीटा मेरा कहाँ पर है, टेन पी का ये है यहाँ पर। तो थीटा और समकोण के बीच में मेरा हमेशा होगा आधार। थीटा के सामने मेरे पास हो गया लंब, समकोण के सामने मेरे पास होगा कर्ण। मुझे टेन पी का मान निकालना है। टेन पी हमारे पास होता है लंब बटे में आधार। लंब का मान हमें निकालना पड़ेगा। हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। उसके अंदर हमें फॉर्मूला बनता है हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान हमारे पास है 13 का स्क्वायर, आधार है हमारे पास 12 का स्क्वायर। हमें लंब का मान निकालना है, इसको ले लेते हैं हम क्यू आर का स्क्वायर। 13 को 13 से गुणा करेंगे तो हमारे पास है 169, 12 का स्क्वायर हमारे पास है 144 जमा क्यू आर का स्क्वायर। ये वैल्यू प्लस में इधर आगे हो जाएगी माइनस में क्यू आर का स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 25 क्यू आर का स्क्वायर। तो अंडर रूट 25 हो जाएगा, यहाँ मेरे पास बच जाएगा क्यू आर। 25 के फैक्टर बने करेंगे तो हमारे 5 × 5 आएगा, तो हमारे पास 5 आंसर हो जाएगा क्यू आर। तो हमारे पास जो क्यू आर की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 5 सेंटीमीटर। हमें लंब का मान चाहिए, लंब हमारे पास आ गया 5 बटे में, आधार का मान हमारे पास आ गया है 12। उसी के साथ साथ हमें कोट आर का मान निकालना है। तो कोट आर के लिए हम एक और डायग्राम बनाएंगे। बिल्कुल सेम टू सेम बनाएंगे। तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा तो हम इसको ऐसे कैसे बना लेते हैं। तो ये मेरे पास आएगा आर, ये मेरे पास आएगा क्यू, ये मेरे पास हो जाएगा पी। अब मेरा थीटा कहाँ पर है, अब यहाँ पर चला गया है। तो ये समकोण है तो आधार मेरा आ जाएगा यहाँ पर। तो ये मेरे पास लंब का मान हो जाएगा और ये मेरे पास हो जाएगा कर्ण का मान। तो वैल्यू मेरे सेम टू सेम रहेंगे। ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर रहेगा, ये 13 सेंटीमीटर रहेगा और ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर रहेगा। तो मुझे मान निकालना है कोट आर का। कोट आर मेरे पास होता है आधार भाग में लंब। तो आधार मेरा यहाँ पर है 5 और लंब मेरे पास है 12। तो मेरा आंसर हो जाएगा कोट आर का 5/12। अब मुझे इन दोनों को माइनस करना है। तो मेरे पास वैल्यू है टेन पी माइनस कोट आर की। तो टेन पी का मान हमारे पास है 5/12 माइनस कोट आर का मान हमारे पास है 5/12। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों तो हो जाएंगे मेरे पास कैंसिल। तो आंसर मेरा आ जाएगा 0।